अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल्ली धरती के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद, एक नई धमाकेदार सी कहानी के साथ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं साइकिल पे क्या कर रही हूँ। आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे चैनल वालों ने हमें मोटरसाइकिल छीन कर साइकिल खरीद कर दे दी है, क्योंकि पेट्रोल होता जा रहा है दिन ब दिन महंगा और लोगों के लिए अफोर्ड करना हो गया है बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो आवाम की इस मुश्किल का हल निकालने के लिए हमने तो ले लिया है साइकिल, जाकर आवाम को करेंगे मोटिवेट कि आखिर आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल बेच कर साइकिल पर क्यों नहीं आ जाते। साइकिल का ना तो पेट्रोल ख़त्म होता है और ना ही इसकी एनर्जी ख़त्म होती है, बस इसकी वो जो चेन है वो उतर जाती है, उसको चढ़ा लो और फिर आ जाओ। वैसा साइकिल से आए आवाम से करते हैं गुफ्तगू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा देखे, मैं साइकिल चला रही हूँ एक एंकर होके। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट होके बाइक चला रही, इतने अफोर्ड कर लेते हैं बाइक? बस अपना घर वालों के खर्चे से चलाता हूँ अभी तो, इसलिए। एक लड़की जब साइकिल चला सकती है तो आप लड़का होके साइकिल पे क्यों नहीं यूनिवर्सिटी जा सकते, कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? आपको नहीं लगता पेट्रोल इतना महंगा हो गया बचाना चाहिए? नहीं नहीं बचाना चाहिए, ऐसे ही मैं स्टॉक कर रहा हूँ, जब महंगा होगा मैं भी बेच दूंगा इसे। तो कब आप आ रहे हैं साइकिल पे? मैं आ गया हूँ साइकिल पे, मेरे गियर खराब है साइकिल के, वो सही होंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैं साइकिल ठीक चला रही हूँ। बेहतरीन, आप जच रहे हैं साइकिल। बहुत शुक्रिया आपका। देखे हमारे चैनल वालों ने साइकिल देखे ना जी, हम जाएंगे अगले बंदे के पास सामने हो कैमरा मैन, हम अगले बंदे से करेंगे गुफ्तगू। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप गाड़ी पे हैं या बाइक पे? बाइक पे। आप लोग बाइक सेल करके साइकिल क्यों नहीं ले लेते, पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है। मैं गुजारा करने का दूं। तो साइकिल चलाएं, पतले रहें, फिट रहें, देखें पसीना से कैसे हम भीग गए। दें कितने के लिए? हमने तो मुफ्त की ली है। दें फिर हमें भी। हम कैसे मुफ्त की ले रहे हैं? अच्छा वैसे साइकिल चलाने पर राजी हैं आप? हाँ बिल्कुल। इतनी महंगाई हो गई है तो आपको लगता है ना आवाम साइकिल भी आएगी? अभी यही लेने के लिए सोच रहे हैं। यही सोच रहे हैं? हाँ। और घर वालों में बच्चों को भी यही ले गए थे, देखे हाँ। पैसे बचाए, इतना महंगा पेट्रोल, गुजारा गुजारा करेंगे इंशाल्लाह। अब तो पेट्रोल अनमोल हो गया है ना, ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं, आवाम हर तरीके का मार्च निकालती है, लॉन्ग मार्च निकालती है, पैदल मार्च निकालती है, तरह तरह के मार्च है, हम साइकिल मार्च क्यों नहीं निकालते पेट्रोल के खिलाफ? एग्री है आ, तो आप सब लोग मिलके क्यों नहीं इमरान खान से कहते कि अब साइकिल मार्च का ऐलान करें? चलो ये इंशाल्लाह। नाज़रीन इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, ये भाई जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, माशाल्लाह से स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे तो पसीने बहुत, रुक जाए कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें ये होते हैं नुकसान, मैं साइकिल पे हूँ या मोटरसाइकिल पे। अच्छा आप मोटरसाइकिल सेल करके साइकिल पे क्यों नहीं आ जाते, इतना महंगा पेट्रोल है? जरूरत तो अब यही पड़ रही है कि मोटरसाइकिल बेच के साइकिल पे आना चाहिए। तो कब ले रहे हैं फिर? बस अब इंशाल्लाह इसी पे फोकस कर। क्या कहेंगे हमारी हुकूमत को कि पेट्रोल आपके लिए महंगा करती जा रही है, कि हमारी आवाम फिट रहे और साइकिल लें? बिल्कुल लेनी चाहिए, यही कहेंगे। बिल्कुल जी, ठीक है जी। नाज़रीन ये बंदा 200 का पेट्रोल डलवाने जा रहा है पूरे। चाचा जी रुको। अब मुझे सलमान खान वाला वो सीन भी नहीं आता। चाचा जी ठीक है आप? चाचा जी रुके तो सही, रुक जाओ, रुक जाओ चाचा जी, बस। चाचा जी की वे ठीक हो? जी जी। इन्ना तुसी नसाया, अल्लाह की कसम एडा नसाया, बंदा रुक ही जाए। चाचा जी साइकिल लो, तुहानू इंज दी तकलीफ भी नहीं बर्दाश्त करनी पैनी। अल्लाह पाक तो बड़ा आसान है कि मोटरसाइकिल देते हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, साइकिल ही लेनी है। अब वही ना, पेट्रोल लोग इतनी महंगी, पहले मोटरसाइकिल लेने को रोते थे कि यार इतनी महंगाई में हम मोटरसाइकिल कैसे लेते, पेट्रोल और महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा, इनको सजा के रख देंगे और क्या करना। ये साइकिल कब ले रहे हैं आप? सुबह ही ले लेंगे। आपको अगर आप देना चाहती तो दे दें, मैं पैसे मैं आपके साथ जाया करूंगी, कहां से मैं इतना महंगा पेट्रोल डलवाऊं? ये पेट्रोल साइकिल में तो नहीं डला, मुझे दे दें, मैं आप पैसे दे दें। नहीं, मैंने भी तो लेना ही है ना। अब हमें साइकिल सोने जैसा लगता है, हमारे चैनल वालों ने हम सबको साइकिल दी है कि आप लोग साइकिल पे जाके काम करें। बहुत अच्छी बात है, हम भी इंशाल्लाह जाएंगे साइकिल पे ही जाना इंशाल्लाह। अच्छा चाचा जी मुझे ये बताएं, आप लोग इतनी मार्चें निकालते हैं, ये साइकिल मार्च क्यों नहीं निकालते पेट्रोल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ? ये हम अल्लाह पर छोड़ते हैं, ये पाकिस्तान हुकूमत है जो इनका अल्लाह ही हाफज है बस। चले जी बहुत शुक्रिया, चाचा जी ने इतनी मुश्किल से अपना वक्त दिया, इतनी मुश्किल से हमने वक्त लिया है, अब दोबारा से जाएंगे लोगों के पास, उनसे करेंगे सवाल, तो उसके लिए जाना पड़ेगा मुझे साइकिल पे। ये मैं चली, आ जानी बैजा साइकिल पे।
मोटरसाइकिल इतना महंगा कैसे अफोर्ड कर लेते हो? मैं इतना कमा के नहीं अफोर्ड कर पा रही। बस अल्लाह ताला का शुक्र है, घर वाले ये असल में इमरान खान की हुकूमत से हमने लिया हुआ। हाँ। तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये बेचने की नौबत आ चुकी है। वाकई आ चुकी है, इतना महंगा पेट्रोल कैसे डलवाते हो? कैसे डलवाना, बस अब वो क्या कहते हैं, मजबूरी है। मशूकों को अब तो घुमाते भी नहीं होंगे कि जानू पेट्रोल बहुत महंगा है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अभी ये इतने बुरे दिन नहीं आए, अभी मैं घुमा लेता हूँ। हाँ सही बात, हाँ सही बात। अच्छा मुझे बताओ कि साइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? साइकिल नहीं, अभी बड़े हो गए हम साइकिल के। पागल ले, मैं छोटी है, की कहना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी में हो गए, एंकर हो गए ना, हम साइकिल चला रहे हैं, हमारे चैनल वालों ने हमें साइकिल लेके दिए कि भाई साइकिल पे इंटरव्यू करो, साइकिल पे मोड़ मारो। आपने एक इंटरव्यू करना है, उसके बाद आपने ये फेंक देनी है ना। पागल ने फेंक देनी है, अब ये साइकिल हमें सोने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है, और ठीक हो? ठीक ठाक। इधर आओ छोटे, मतलब बड़े इधर आओ, कहते छोटे। मुझे बताओ कि कैसे आते जाते हो स्कूल कॉलेज, कैसे आते जाते हो? बहुत हालात परेशान है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से बाइक जो है ना वो हमने हॉस्टल में खड़ी कर दी है। तो आप ये साइकिल क्यों नहीं लेते? साइकिल भी कैसे लें, साइकिल भी महंगी हो गई है, महंगाई की वजह से। नाज़रीन इतना मुझे पसीना आ रहा है, गर्मी भी बड़ी हो गई है। आप बताएं कि अब साइकिल आप ले लें, थोड़ा तंगी शंगी करके मोटरसाइकिल बेच दें। मोटरसाइकिल बेच के अब यही सोच रहे हैं कि साइकिल। असल में बात यह है कि जो हमारे पास बाइक है वो कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि बाइक वाले के पास गए हैं, जहाँ पे बाइक ये सेल होती है वहाँ पे गए हैं, इतने कस्टमर, हर कोई ये साइकिल खरीद रहा है। ये मेरे दो दोस्त हैं और मैं, हमने बाइक घर पे खड़ी कर दी है, ठीक है, और शोरूम पे सेल होने के लिए खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सेल होगी तो हम क्या नाम है ये साइकिल लेंगे ना, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है पेट्रोल डलवाने के लिए। डंकी राजा जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब पहले लोग जहेज में कार की डिमांड करते थे, आपको नहीं लगता मोटरसाइकिल की डिमांड या पेट्रोल की शुरू हो जानी है? मैं साइकिल की डिमांड शुरू, साइकिल की शुरू होनी जी बिल्कुल ऐसी है, साइकिल की डिमांड शुरू हो गई है। आप बताएं जरा अंकल जी, आपने ये कितने के लिए साइकिल? ये मैंने चैनल वालों ने लेके दी है हम सब बैंकर्स को। तो आप हमें ये दिख रहे देना चाहते हैं साइकिल? असि तो आप उन्होंने कोलो, उन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किल दा सानू लेके दी, किस्तों पे दे दे। आप तो आवाम का कुछ सोचे ना। हम आवाम का सोच के इतनी मैं गर्मी में निकले हैं साइकिल पे, जितनी जितनी प्राइस है ये न्यू मिलती है आप उतने पैसे ले लें हमसे? नहीं हम नहीं देंगे, हम यहाँ पर लालच में डाल रहे हैं ताकि हमें बाद में नहीं भी ना मिले। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, ला भाई बटवा दे अपना। ना 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 भाई, शॉर्टेज हो जानी है, हमें बाद में साइकिल मिले ना, हम बाद में धक्के खाएं। ये देखें ना, ये देखें, ये हम पैसे हाथ में फिर रहे हैं, ये कितने देखें, दो तीन चार, ये 5,000 ये हो गया, ठीक है, और 5,000 उसके बटवे में, 5,000 मेरे बटवे में, 15,000 की तक की बाइक नहीं मिल रही। 15,000 नाजिन ये दौर आ गया, ये मुझसे साइकिल खरीदेंगे लेकिन मैं साइकिल नहीं दूंगी, क्योंकि हमें खुद पता है कितनी तंगी हो रही है। ये देखिए आपको पैसे नकद ना दे रहे हैं, हम नहीं देंगे, ये आप हमें देना चाहते हो तो आप दे दे भाई। ना हम नहीं देंगे, बाद में हमें कहां से मिलेगी चाचा जी, ठीक है ना जी? जी बिल्कुल ठीक, बाद में हमें कैसे मिलेगी? नहीं लग रही है मोटरसाइकिल? नहीं अभी ली है, अभी ली है, शुभाष शरीफ की हुकूमत आई है फिर ली है। ऐसे मैं टोपी लान से मजबूर हो गई, अभी अभी इसने मोटरसाइकिल ली है। ओए पागल तुझे नहीं पता पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? क्या पहले कितना था? कैसे अफोर्ड करोगे? पहले 62 से 162 पे गया, तब कहाँ थे? तब 62 था, आप 200 से ऊपर, आप 200 से ऊपर है ना, अब आ जाएगा फिर नीचे, मतलब डलवाओगे? डलवाना ही है, क्यों नहीं डलवाना? तो साइकिल ले लो, अच्छी बात है, मतलब फिट रहेगा। इतनी फिटनेस नहीं चाहिए, ये होंडा किस लिए है? होंडा किस लिए है भाई? नहीं आप मुझे एक बात बताएं, आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो अपना जाती वोट है वो पीटीआई का? अभी मैं डालूंगी, मेरा खुद ना पीटीआई का ना नून लीग का, मैं तो खुद परेशान हूं, मैं बिलावल को दूंगी। मुझे लगता है अभी आपका आईडी कार्ड ही नहीं बना फिर। ओ जान वाली गल कर, मैं बच्ची अड्डी रहनी नहीं छुड़नी है, 18 साल कम उम्र लड़की। नहीं मुझे ये बात बताएं आप, फार्मर्स को क्या क्या उसने बेनिफिट दिया है? हम किसी के साथ नहीं है भैया, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, हम बिलावल को देंगे जिसको कोई नहीं देता। नहीं जरदारी, मेरा अपना वोट जरदारी का, मैं जरदारी की फैन फॉलोइंग में आता हूँ, वो बॉस है, लेकिन बॉस बॉस क्या 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 बॉस बॉस है, बॉस है, किसान है जी। ठीक है आप, अल्लाह का शुक्र, चाचा जी नेट आपने नेट पे? हां जी चढ़ा दिया था, नहीं आया टीवी पे, मैं तो मैं दसांगी चाचा जी अब इंटरव्यू तो बाद।
हाँ जी बात तो सुने ना, अब साइकिल ये टूटी सी साइकिल आप लिए फिरते हैं, आप ये खबरदार तुमने हमारी साइकिल पे बात की, ये साइकिल हमें ना तुम्हारे मोटरसाइकिल गाड़ी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, महंगी गाड़ी रख के हमें पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता। ये जो पहले वो बातें थी ना कि मैं वो दूसरे नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है, टूटा साइकिल नवा पाकिस्तान जी, पुराना पाकिस्तान बनेगी। हमारे साइकिल को तुम टूटा हुआ कह रहे हो, खुद तुम अगर कल को बैठे तुम्हारी जेब में 100 रुपया भी नहीं जमा होगा ना, फिर बताना इसकी औकात में कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। पहले 3 साल मुझे जॉब नहीं मिली, अभी मुझे 8 जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। क्या बात है, डलवा लेगा भाई, क्या करना, डलवा लेगा, डलवा इसलिए लूंगा पहले काम ही नहीं था कोई, पहले कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ही नहीं था, अब आ गए हैं ना, अब सब कुछ हो जाएगा। 12,000 की वो खाद ले रहे हैं हम लोग, वो भी ब्लैक में, जैसे मांगते नहीं है लोग अल्लाह के नाम पे दे दे। तो जी हाँ नाज़रीन, मैं अब इस भाई के मुकाबले में जाने लगी हूँ, देखते हैं कहाँ तक इनका मोटरसाइकिल चलेगा, कहाँ तक मेरा साइकिल चलेगा, देखते रहिए और खुश रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताएं, और अपने मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बेच के आप लोग साइकिल पे क्यों नहीं आ जाते, ये तो सबका साथ ही है। नहीं मैं खत्म कर देना, इसको इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें नाज़रीन, और देखते रहिए डेली धरती चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे अगली वीडियो तक दे इजाज़त, वस्सलाम।